ओम श्री गणेशाय नमः। तो मित्रों स्वागत है आपनु अपनी यूट्यूब चैनल भक्ति कीर्तन संग्रह में। मित्रों आजना वीडियो में आपणे बात करीशु तिलकुन चतुर्थी विषय अने आजना दिवसे करवामां आवता मंत्र विषय। तो आपने एवो प्रश्न थाय कि आ तिलकुन चतुर्थी एटले वळी शुं? तो मित्रों तिलकुन चतुर्थी एटले के विनायक चतुर्थी छे, एटले के महामहिनानी सूद पक्षनी चौथ छे के जे दिवसे भगवान श्री गणेशनी पूजा अर्चना करवानी होय छे। अने चतुर्थी ने तिलकुन चतुर्थी एटला माटे कहेवामां आवे छे केम के आजना दिवसे तल अने कंदमूळनो खास करीने उपयोग करवामां आवे छे के जेनुं आ व्रतमां विधि विधान बतावामां आव्युं छे अने तेथी ज आ चतुर्थी ने तिलकुन चतुर्थी कहेवाय छे। तो आवी महत्वनी महासूद चौथनी गणेश चतुर्थीना दिवसे हूँ तमने गणपतिजीना एवा केटलाक मंत्रो जणावीश के जेनो जाप आजना दिवसे आपने जो कोई पण मुश्केली होय, कोई समस्या होय, कोई आपना उपर संकट होय, चिंता होय तो जो ते मंत्रनो जाप करशो तो अवश्य भगवान श्री गणेश आपनी तमाम समस्या दुख संकट दूर करी देशे अने आपने सुखी समृद्धि जीवन प्रदान करशे। तो मित्रों आ चतुर्थीनुं महत्व अने मंत्र जाणवा माटे अंत सुधी मारी साथे जोड़ायेला रहेजो अने वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करी तमारा मित्रों ने पण शेर करी देजो। अने हाँ मित्रों जो आपने अमारा वीडियो नी लिंक आपना व्हाट्सएप उपर मेळवी होय तो अहींया जे व्हाट्सएप नंबर लखेलो छे तेना उपर अमने जय श्री गणेश लखीने मोकलजो। तो आ वर्षे महामहिनानी आ तिलकुन चतुर्थी ए 4 फेब्रुआरीना दिवसे आवे छे के जे दिवसे भगवान श्री गणेशना विनायक स्वरूपनी पूजा करवानुं विधि विधान छे। आ चतुर्थी ने तिलकुन चतुर्थी, विनायक चतुर्थी अने वरद विनायक चतुर्थी तरीके पण ओळखवामां आवे छे के जे दिवसे भगवान श्री गणेशनी तो पूजा थाय ज छे परंतु साथे साथे चंद्रदेवनी पण पूजा करवामां आवे छे। एवुं कहेवाय छे के जे कोई व्यक्ति आ व्रत करे छे तो तेना परिवार अने लग्न जीवनमां सुख समृद्धि वधे छे। શિવ પુરાણમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન શ્રી ગણેશનો જન્મ બપોરના સમયે થયો હતો એટલે આજના દિવસે ભગવાન શ્રી ગણેશની પૂજા બપોરના સમયમાં કરવામાં આવે છે અને આ ઉપરાંત ઘણા લોકો આ વ્રત સૂર્યોદયથી બીજા સૂર્યોદય સુધી કરતા હોય છે પરંતુ ઘણા લોકો આ વ્રત સવારે સૂર્યોદયથી સાંજે ચંદ્ર દર્શન કર્યા સુધી પણ કરતા હોય છે। સાંજે જ્યારે ચંદ્ર દર્શન કરી લે ત્યાર પછી આ વ્રતને ખોલતા હોય છે। साथे साथे आजना दिवसे तल तल बनावटनी वानगीओ एटले के तलनी चीकी छे, तलना लाडू छे, तलपाक छे वगैरे जेवी वानगीओ खावानुं आजना दिवसे महत्व छे। साथे साथे सीजनमां आवता फ्रूट अने कंदमूळ पण आजना दिवसे खावामां आवे छे। जे कोई व्यक्ति आजना दिवसे व्रत करे छे तेना भगवान श्री गणेश तेमना तमाम कष्टोने दूर करे छे, કામકાજમાં આવતા તમામ વિઘ્નોને દૂર કરી તેને એક નવી સફળતા સુધી પહોંચાડે છે અને એટલે જ તો ભગવાન શ્રી ગણેશ વિઘ્નહર્તા માનવામાં આવ્યા છે અને સુખકર્તા માનવામાં આવ્યા છે। એટલે જ ભક્તો ભગવાન શ્રી ગણેશની બંને ચતુર્થીઓનું વ્રત કરે છે અને તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે અને સાથે સાથે જો ભગવાન શ્રી ગણેશની વિશેષ કૃપા મેળવવી હોય તો તેમના મંત્રનો પણ જાપ કરવામાં આવે છે। तो आवो हवे आपणे आ गणपतिजीना थोड़ाक मंत्रों विषे बात करिए कि जेनु आजना दिवसे विशेष महत्व छे। तो पहलो मंत्र छे ओम गणपतये नमः। तो मित्रों आ गणेशजीनो एक मूळ मंत्र छे कि जेने बीज मंत्र तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आ मंत्र आम तो योग साधनामां उपयोगमां लेवाय छे कि कोईपण काम शुरू करता पहेला જો આપણે આ મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ તો આપણા તમામ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે। ત્યાર પછી બીજો મંત્ર છે ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ। તો મિત્રો આ ગણેશજીને પ્રસન્ન કરવાનો અને તેમના પ્રત્યે પ્રેમ અને સમર્પણ દર્શાવવાનો મંત્ર છે। આપણે કોઈ પણ કામ શરૂ કરીએ છીએ, કોઈ નવો ધંધો શરૂ કરીએ છીએ અથવા તો આપણે નવા ઘરે રહેવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ તો તે આપણા કાર્યની શરૂઆત પોઝિટિવ રીતે થાય છે। ત્યાર પછી છે ઓમ એકદંતાય નમઃ। તો મિત્રો આ ગણેશજીનું એકદંત નામ છે તેના ઉપરથી આ મંત્ર નીકળી આવ્યો છે કેમ કે એક પ્રસંગ અનુસાર ભગવાન શ્રી ગણેશનો એક દાંત તૂટી ગયો હતો અને ત્યારથી જ તેઓ એકદંત તરીકે ઓળખાયા હતા। તો જે કોઈ વ્યક્તિ આ મંત્રનો જાપ શ્રદ્ધા અને એકાગ્રતા સાથે કરે છે તો તે કોઈ પણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકે છે। ત્યાર પછી છે ઓમ સુમુખાય નમઃ।
तो मित्रों आ मंत्रना अनेक अर्थों निकली आवे छे कि जेनो सरल अर्थ एवो थाय छे तमे एक खूब ज सारी आत्मा छो, सारी ऊर्जा छो, एटले के पॉजिटिव एनर्जी छो। आ मंत्र में ध्यान परोवाथी अपनी सुंदरता में वधारो थाय छे, आपणे शांति मळे छे अने आपणे जे पण काई बोलीए छीए तेमां प्रेम पण छलकाय छे, एटले के आपणी वाणी सुधरे छे। त्यार पछीनो मंत्र छे ओम भालचंद्राय नमः। तो मित्रों संस्कृत में भालनो अर्थ कपाळ थाय छे अने चंद्र एटले के आठमनो चंद्र अने भालचंद्र एटले के चंद्रमाथी अमृत वर्षे छे। आ कोईपण घा रुझावानी क्षमता धरावे छे। एवुं कहेवाय छे के भगवान शिवनी अनुभूति करवा माटे आ मंत्रनो जाप करवामां आवे छे अने ज्यारे आपणे खूब ज श्रद्धा अने एकाग्रताथी आ मंत्रनो जाप करीए छीए त्यारे आपणा कपाळमां अर्धचंद्र होय एवुं आपणने अनुभव पण थाय छे। त्यार पछी छे ओम विनायकाय नमः। तो मित्रों विनायक ए गणपतिजीना सुवर्णकाळ दरमियाननुं प्रख्यात नाम छे। आ मंत्रथी आपणा सुवर्णकाळनी पण शरूआत थाय छे, आपणा तमाम काम सिद्ध थाय छे अने विनायक एटले के बधुं ज तमारा कंट्रोलमां होय अने विनायक ए जे व्यक्ति बधी ज समस्या हल करे छे ते। त्यार पछीनो मंत्र छे ओम विघ्न नाशनाय नमः। तो मित्रों आ मंत्र गणेशजीने तमाम मार्गमां आवती बधी ज बाधाओ दूर करवानुं विनंती माटेनो मंत्र छे। आ मंत्रना सतत जापथी आपणा रस्तामां आवती अड़चणो नेगेटिव एनर्जी दूर थाय छे अने आपणे खूब ज शांति अनुभवीए छीए। अने त्यार पछी छेल्लो मंत्र छे ओम लंबोधराय नमः। तो मित्रों आ मंत्रनो अर्थ एवो थाय छे के तमे ज ब्रह्मांड छो, ब्रह्मांडनी बधी चीजो तमारो भाग छे, जेम के एक बीजमां आखुं वृक्ष छुपायेलुं छे ते रीते एटले के ओममां ब्रह्मांड समायेलुं छे अने तमारामां ओम छुપાયેલો છે। तो मित्रों आजना आ वीडियोमां मैं गणपतिजीने एवा केटलाक मंत्रो कह्या के जे आपने तमाम समस्या दुःख संकटमांथी बहार लावे छे अने आपने सुखी जीवन प्रदान करे छे। तो मित्रों आजना दिवसे खास करीने आ मंत्रनो जाप करजो अने भगवान श्री गणेशनी कृपा प्राप्त करजो। तो मित्रों वीडियो पसंद आव्यो होय तो वीडियोने लाइक करी तमारा मित्रोने शेर करी देजो के जेथी करीने ते लोको सुधी पण आ माहिती पहोंचे अने ते लोको पण आ मंत्रनो जाप करीने भगवान श्री गणेशना आशीर्वादने प्राप्त करे। तो मित्रों आ साथे हवे मने रजा आपो, मळीशुं फरीथी एक नवा वीडियोमां। ત્યાં સુધી આપ સૌને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ, ધન્યવાદ।